जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज बात करेंगे एसोसिएट प्रेस की जो रिपोर्ट आई है चीन के विषय में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके विषय में किस तरह से कोरोना वायरस की जो महामारी है इसको लंबे समय तक चाइना ने छुपाया, WHO की क्या कार्यस्थानी रही, उसके ऊपर डिटेल चीजें आई हैं। थोड़ा सा इसके विषय में बता दूं मैं आपको, क्योंकि मुझे इसको लगभग पूरा एक रात लग गई समझने में, पूरे डॉट्स को मैच करने में, डिटेल में जाने में। जो चीजें कुछ होती हैं कि कुछ केवल वर्ड्स और नाम दे दिए जाते हैं, उसके ऊपर अलग से जो रिसर्च करने में, तो उसमें मुझे काफी समय लगा और वह सब निष्कर्ष जो है वह आपके पास लेके आ रहा हूं। और मेरे YouTube पे जो लोग देख रहे हैं और जो लोग Facebook पे भी देख रहे हैं, YouTube पे जाएंगे तो आपको मैं लिंक भी डाल दूंगा। एसोसिएट प्रेस ने जो पूरा के पूरा आर्टिकल बना के वो एक्सपोजे किया है, बड़ा एक्सपोजे किया है उसके विषय में। और एसोसिएट प्रेस को कुछ तो मीटिंग्स जो हुई WHO के आंतरिक बैठकें थी उनकी रिकॉर्डिंग्स मिली, और जब रिकॉर्डिंग्स के ऊपर कमेंट मांगी उन्होंने संस्था से, संस्था के ऑफिस बियरर से, तो उसको ये कहा गया कि आप हमको पहले रिकॉर्डिंग भेज दें तब हम उस पर टिप्पणी करेंगे। एसोसिएट प्रेस का ये कहना है कि इससे जो उनके सोर्सेस हैं उनकी जो गोपनीयता है वह भंग होती है, तो उन्होंने उसको देना सही नहीं समझा। लेकिन बड़ा एक्सपोजे है और WHO इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, डिनाई भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कह रहा है कि ये हमारे ये बातें हमने नहीं की हैं। और इसकी वजह से लाखों लोगों की दुनिया भर में जान गई है, अर्थव्यवस्था हम सब की दुनिया भर की चौपट पड़ी हुई है। तो चाइना और WHO का जो रोल रहा है उस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं और टाइमलाइन के साथ करते हैं कि कौन सी तारीख को क्या हुआ, ताकि सबको, दुनिया को भी मालूम पड़े यह चीज कि चाइना ने कितने लंबे समय तक न केवल छुपाया, बल्कि जिन लोगों को ने उस पर रिसर्च कर ली थी, चाइना के ही लोगों ने उनको, जिस एक तरह से कहते हैं उनकी आवाज को दबा दिया। तो हम चलते हैं शुरुआत से ही। देखिए दिसंबर के अंत में ही चाइना में ये सब केसेस के विषय में आना शुरू हो गया था। आपको पता होगा डॉक्टर ली के विषय में, डॉक्टर ली एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे वुहान के, उन्होंने, उनके कुछ दोस्तों ने पहले से एक विसल ब्लो की थी कि एक नए टाइप के जो कुछ वायरस अफेक्टेड निमोनिया टाइप के केसेस आ रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने एक्सपोज करना शुरू किया तो उनको एक तरह से फेक न्यूज फैलाने वाला या राष्ट्रद्रोही टाइप का व्यक्ति बताकर उनकी आवाज को दबा दिया गया। अंततोगत्वा यह हुआ कि वे खुद मरीजों को संभालते संभालते कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और उनकी डेथ हो गई। जब चाइना में लोगों की रिएक्शंस थी, लोगों का मन जो था वह उनकी तरफ इंक्लाइन होने लगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो विसल ब्लोअर था फाइनली उसकी आवाज को दबाया गया, उसकी डेथ भी उसी से हुई। तो लोगों के सेंटिमेंट्स को कम करने के लिए एक तरह से, जैसे हमारा भारत रत्न होता है सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, उसी प्रकार का जो चाइनीज सिविलियन अवार्ड है वह उनको दे दिया गया। ये इसीलिए दिया गया ताकि लोगों की आवाज कम हो जाए, लोगों में जो विद्रोह है वो कम हो जाए, कि ठीक है डॉक्टर ली को सर्वोच्च सम्मान दिया गया जो देश का, उनके देश का है सिविलियन अवार्ड। लेकिन डॉक्टर ली से मैं आगे चलता हूं, जो चीजें बहुत सारी ऑन रिकॉर्ड हैं। हम जाते हैं दिसंबर 27 को, 27 दिसंबर 2019 पिछले साल की बात है। वुहान की एक प्राइवेट लेबोरेटरी है जिसका नाम है विजन मेडिकल्स, और विजन मेडिकल्स ने क्या किया कि उन्होंने पीस टुगेदर किए जो जीनोम थे, किसके की नया जो नोवल कोरोना वायरस है इसके जो जीनोम था उसको उन्होंने अलग किया, उसके टुकड़ों को जोड़ा, और जब उनको मालूम पड़ा कि इस प्रकार का एक नया वायरस आया है जिसकी बहुत कुछ सिमिलरिटीज लगी उनको, ये प्राइवेट लैब है विजन नाम से वुहान की, जब उनको लगा कि बहुत सारी सिमिलरिटीज जो इसकी हैं ये सार्क का वायरस जो आया था उससे मिलती जुलती हैं, तो उन्होंने जो वुहान के अधिकारी थे वो चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस से उन्होंने इस डेटा को शेयर किया। अब ये बात है 27 दिसंबर 2019 की, इसके केवल 3 दिन बाद ये तारीख आती है दिसंबर 30 दिसंबर 2019,
वुहान के जो हेल्थ ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक इंटरनल नोटिस सर्कुलेट किया, जो आंतरिक नोटिस जिसको कहते हैं, इंटरनल नोटिस उन्होंने सर्कुलेट किया और उसमें उन्होंने एक तरह की चेतावनी दी सिस्टम को कि एक अनयूजबल तरह का, जैसा नहीं पाया जाता है वैसा एक निमोनिया जो है वह चल रहा है और ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो उसको देखकर जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की फेमस एक वायरोलॉजिस्ट है जिनको बेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, इनका नाम है शी जिंग ली। मुझे क्षमा करना था कि प्रोनाउंसिएशन में, चाइनीज नेम्स हैं, कई बार मुश्किल पड़ती है प्रोनाउंस करने में, शी जिंग ली, लेकिन इनको पॉपुलरली सभी जानते हैं कि बेट वुमेन, क्योंकि जब सार्क का वायरस स्प्रेड हुआ था चीन में और चीन से दुनिया भर में गया था, तब इस वायरोलॉजिस्ट ने, इस वैज्ञानिक ने उसको ट्रेस किया था कि सार्क का वायरस चमगादड़ों से आता है और वे जो चमगादड़ों की गुफाएं थी उसमें भी गई, उसमें रिसर्च की और रिसर्च को बाद में पब्लिश भी हुई, तब से इनको बैट वुमेन के नाम से जाना जाता है। तो शी जिंग ली को जब पता चला तो वे उस दिन बीजिंग में किसी कॉन्फ्रेंस में थी, चाइना के कैपिटल में थी, और वहां से जैसे ही उनको इस बात का मालूम पड़ता है कि एक अनयूजुअल टाइप का निमोनिया चल रहा है वुहान में, तो वो पहली ट्रेन लेकर पहुंचती हैं बीजिंग से वुहान, और ये पहुंचती हैं उसके दूसरे दिन 31 दिसंबर साल का 2019 साल का अंतिम दिन, चाइनीज सीडीसी, सीडीसी का मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एक टीम अपनी भेजती है वुहान में, और इसके बारे में WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को उसी दिन मालूम पड़ जाता है 31 दिसंबर 2019, जिस दिन लोग रात को नया साल मनाने वाले थे, WHO को ओपन प्लेटफॉर्म सोर्स से मालूम पड़ता है, चीनी अधिकारियों से नहीं पड़ता, अपने जो ओपन प्लेटफॉर्म सोर्सेज होते हैं उससे उनको मालूम पड़ जाता है कि इस तरह की कुछ समस्याएं हैं, जिसके लिए वुहान में टीम भी भेजी गई है CDC चाइना के द्वारा। और WHO के जो ऑफिशियल्स हैं, साल के पहले दिन 2020 के 1 जनवरी को चाइनीज अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये क्या है इसके विषय में बताएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वे सभी देशों को बाधित करता है कि इस प्रकार का कोई भी नया कोई आउटब्रेक होता है, कोई इस प्रकार की नया वायरस या कोई इन्फेक्शन आता है, तो आपके लिए अनिवार्य है कि 24 से 48 घंटे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को आप सूचित करेंगे। जब WHO ने इसके विषय में मालूम किया तो चाइना ने पूरा 48 आवर्स, जो हाईएस्ट टाइम होता है, वह लिया और उसके बाद बताया, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि हाँ, वहां पर वुहान में 44 केसेस इस तरह के आए हैं, लेकिन किसी की भी डेथ इसमें नहीं हुई है। और ये बात होती है 1 तारीख को पूछा जाता है, उसके बाद 48 घंटे के बाद बताते हैं, मतलब आप दिन गिन लीजिए, 48 घंटे मतलब ये तीन जनवरी आ जाता है। इस बीच में 2 जनवरी को जो बेट वुमेन है शी जिंग ली, वे डिकोड कर देती हैं पूरे वायरस के, जो वायरस है उसको डिकोड करना मतलब कैसा होता है कि उसका DNA कैसा है, उसके जेनेटिक स्ट्रेंथ कैसी हैं, वह सब उसका फॉर्मेशन कैसा है वो डिकोड करके ही मालूम पड़ता है। तो वे ये महिला जो है ये 30 तारीख को वहाँ वुहान पहुँचती हैं, तो 2 जनवरी को केवल 3 दिन के अंदर ये पूरा जीनोम को डिकोड कर देती हैं और अपने इंस्टीट्यूट की जो साइट है उस पर भी लगा देती हैं उसको। लेकिन आगे क्या होता है कि 3 जनवरी को जो नेशनल हेल्थ कमीशन है चाइना का, एक कॉन्फिडेंशियल नोटिस निकालता है, गोपनीय नोटिस निकालता है, और जितनी भी लेबोरेटरीज हैं उनको यह आदेशित करता है कि जितने आपके पास सैंपल्स हैं इस वायरस के, ये आप तुरंत रूप से चाइनीज ऑफिशियल्स को, चाहे चाइनीज जो इंस्टीट्यूशन है उनको दे दें। और किसको ये संदेश किसके लिए आता, हम समझ सकते हैं कि एक तो जो बैट वुमेन
शी जिंग ली हैं उनकी लेबोरेटरी के लिए जाता है, और दूसरा ये है विजन मेडिकल, जिसे सबसे पहले विजन मेडिकल लेबोरेटरी प्राइवेट लेबोरेटरी जिसे 27 दिसंबर को ही इसको एक तरह से डिकोड कर लिया था, पार्शली डिकोड कर लिया था इस जीनोम को। तो इनको कहा जाता है कि जो आपके पास सैंपल्स हैं आप यह सरकार को दे दें। उसके बारे में बाद में चाइना ये कहता है कि वो तो हमने इसलिए किया ताकि जो है वो वायरस किसी तरह से फैल नहीं जाए, इस तरह की चीज़ें। ये बातें क्या हैं हम भी समझते हैं किस प्रकार से की जाती है। और उस ऑर्डर में जो बैट वुमेन शी हैं उनकी लेबोरेटरी को जेनेटिक सीक्वेंस जो है उसको पब्लिश नहीं करने के लिए आगाह किया जाता है, चेतावनी दी जाती है ऑर्डर के अंदर, गोपनीय ऑर्डर में, कि आप इसको बिल्कुल पब्लिश नहीं करेंगी। और चाइना में यदि चेतावनी को कोई नहीं मानता है तो क्या हो सकता है आप समझिए। तो मैं इस महिला की गलती नहीं मानता, इस महिला वैज्ञानिक की, क्योंकि इन्होंने तो पहले दिन ही अपनी वेबसाइट पर डालने की डाला उसको, लेकिन जब उसको पब्लिश करने की बात आई तो उनको उन्होंने रोक दिया, हस्ता हटा भी दिया उन्होंने वेबसाइट से। ये मैं थोड़ा देखना है मुझे भी कि क्या हटाया, मुझे लगता है हटा दिया था इन्होंने क्योंकि पब्लिश करने के बाद, क्योंकि वहां से चाइनीज डंडा जो है कम्युनिस्ट पार्टी का वो आया होगा। और ये जो गोपनीय पत्र है इस पे तो उन्होंने चेतावनी दी है मैडम शी को कि आप इसको पब्लिश नहीं करेंगी किसी कीमत पर भी। अब 3 जनवरी को चाइनीज सीडीसी जो है इंडिपेंडेंटली, खुद चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो कि चाइना की हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है, यह अब खुद भी उसको जो सीक्वेंस है वायरस का उसको डिकोड कर लेता है। अब यह चीनी सरकार का संस्था है जो खुद भी वायरस को डिकोड कर चुकी है। कब करी है? 3 जनवरी 2020 को, मतलब साल के बिल्कुल शुरुआत में ही उन्होंने डिकोड कर लिया था। और 5 जनवरी को एक और जो गवर्नमेंट की लैब है जो कि चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये भी चीनी सरकार के अंतर्गत आती है, उसने भी डिकोड कर लिया और अपनी रिपोर्ट दे दी उनकी सरकार को। अब जब तीन तीन सरकारी जो संस्थाएं हैं, एक तो चाइनीज हेल्थ ऑफिशियल्स जिसमें हैं, उन तीनों संस्था में उनने डिकोड कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना की सरकार चुपचाप रहती है और दुनिया को बताती नहीं है कि क्या चल रहा है, नया वायरस क्या है। और उसके बाद जो 5 तारीख की ही बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्विटर पे जो कहा कि इन्वेस्टिगेशंस वेयर अंडर द वे into an unusual cluster of pneumonia cases with no deaths in Wuhan. WHO क्या कहता है कि हाँ investigation चल रही है जो एक cluster मिला है unusual pneumonia cases का वुहान चीन में, लेकिन उसमें किसी प्रकार की मृत्यु नहीं हुई है। अब ये सब होने के बाद 2 हफ्ते तक ये बताया जाता है कि वुहान में कोई भी नया केस नहीं मिला। आप सब समझते हैं, हम भी समझ रहे हैं कि इस चीज को बिल्कुल दबा दिया गया और जो बोलने वाले थे उनके मुंह बंद कर दिए गए। और जब ये सब कुछ चल रहा था, कोई न्यू इन्फेक्शन नहीं आया है ये बताया जा रहा था कि वुहान में, उस समय रिसर्चर्स ने ये पाया कि ये जो कोरोना वायरस है, जो नया कोरोना वायरस है, इसकी जो स्पाइक्स होती हैं वायरस की, इसमें एक अनयूजुअल अलग तरह का प्रोटीन मिला जो अपने आप को ह्यूमन सेल से बाइंड कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, उनको उसी समय मालूम पड़ गया कि ये इंसान से इंसान को फैलने वाली बीमारी है। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि इस चीज को भी इतना गोपनीय रखा गया कि उन्हीं का सीडीसी का जो एक एम्प्लॉय है, चाइना का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, वह कहता है कि सीडीसी की जो रिसर्च टीम थी जो काम करने वाले थे उनकी भी गति स्लो जा रही थी, उनकी कार्य क्षमता इतनी नहीं दिखा पा रहे थे क्योंकि वे इन सब चीजों से अवगत नहीं थे। ये सब जो चीजें जो इनके पास न्यू रिविलेशंस आ रही थी वह इतनी गोपनीय रखी गई थी कि चीन की जो सीडीसी है उसके भी अधिकांश लोगों को नहीं पता था। अब आता है 5 जनवरी, देखिए कितनी तेजी से चीजें चल रही हैं।
प्राइवेट लैब विजन लैब जो वुहान की 27 दिसंबर 2019 को वो डिकोड कर लेती है पार्शियली उस वायरस को, 2 तारीख को मिसली कर लेती हैं। अब ये 5 तारीख आई, कितनी तेजी से चीजें चल रही हैं। शंघाई पब्लिक क्लिनिकल हेल्थ सेंटर ने अपनी एक वायरोलॉजी की टीम भेजी और जिसमें जेंग योंगजेन थे, उन्होंने भी एक और सीक्वेंस निकाल लिया इस वायरस का और उन्होंने जो वहां का जो जनरल बैंक डेटाबेस है उसमें सबमिट भी कर दिया। और उन्होंने वार्निंग देते हैं, ये फिर सरकारी अधिकारी हैं, ये शंघाई पब्लिक क्लिनिकल हेल्थ सेंटर के अधिकारी हैं, ये चेतावनी देते हैं कि यह जो नया विषाणु है, जो नया वायरस है, यह सार्क का जो इन्फेक्शन फैला था, जो वायरस फैला था उससे मिलता जुलता है और ये जो है ये उसके जैसा एक इन्फेक्शन है। और आगे बात आती है इसमें, इट शुड बी कॉन्टेजियस थ्रू रेस्पिरेटरी पैसेज, मतलब वो कहते हैं ये मुंह से और नाक से फैल सकता है। और फिर आगे वो कथा बताते हैं कि जो पब्लिक एरियाज हैं उसमें प्रिवेंशन करने की जरूरत है, मतलब कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वह करने की जरूरत है। ये कब की बात है, यह बात है जनवरी 5, 2020 को, मतलब साल के पहले हफ्ते में ही यहां तक इनका कंक्लूजन पहुंच गया था कि 27 दिसंबर से लेकर आप 5 जनवरी तक जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि उसको आइसोलेट भी कर लिया गया वायरस को, उसके स्ट्रेंथ के बारे में भी समझ लिया गया, उसके अंदर एक नया प्रोटीन है जो ह्यूमन से बाइंड करता है यह भी समझ लिया, इन्होंने यह भी चेतावनी दे दी इनके वैज्ञानिकों ने कि यह जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब नाक मुंह आंख से फैल सकता है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात की लेकिन दुनिया को नहीं बताया, सब चीजें चुपचाप रखी उन्होंने। और अब आप इसमें देखिए कि चिंता की बात क्या है, एक और कि जनवरी 5 को ही जब यहां पर ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक से यह फैलता है, उसी दिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो कहता है कि बेस्ड अपॉन प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम चाइना देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ significant transmission between humans and did not recommend any specific measures for travelers. वो कहता है कि जितनी अभी तक मालूम पड़ा है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आई है चाहे चीन से, उसमें ये नहीं लग रहा कि ये इंसान से इंसान को जो है वह ट्रांसफर हो सकता है और इसलिए ट्रेवल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कितना देखिए बात को छुपाया गया, चीन ने WHO से छुपाया, अभी WHO पर भी मैं आऊंगा उनकी कारिस्तानियां क्या रही इस बीच में। और इस समय जब वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की, पब्लिक डिस्टेंसिंग की बात चीन के अधिकारी कर रहे हैं, WHO मना कर रहा है, वुहान में केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है और वुहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया भर से कनेक्टेड है और दुनिया भर में वहां से पैसेंजर्स जा रहे हैं और दुनिया भर से वहां पर आ रहे हैं, तो आप समझिए कि ये संक्रमण कैसे फैला है दुनिया भर में। अब नेक्स्ट डे 6 तारीख आती है, देखिए बहुत तेजी से चीजें हो रही है। नेक्स्ट डे January 6 द चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल रेज्ड इट्स इमरजेंसी लेवल टू 2nd highest. स्टाफर्स प्रोसीड टू आइसोलेट द वायरस, ड्राफ्ट लैब टेस्टिंग गाइडलाइंस एंड डेजिग्नेट टेस्ट किट्स, बट द एजेंसी डिड नॉट हैव द अथॉरिटी टू इश्यू पब्लिक वार्निंग एंड हाईलाइटेड इमरजेंसी लेवल वॉज कैप्ट सीक्रेट इवन फ्रॉम मैनी ऑफ इट्स ओन स्टाफ। CDC क्या करता है, जस्ट एक दिन बाद लेवल 2 की इमरजेंसी घोषित करता है जो सबसे तीव्र से जस्ट एक पायदान नीचे होती है। टेस्ट किट्स की बात करता है, क्या क्या किस तरह से आइसोलेट वायरस को करने की बात आती है, लेबोरेटरीज में क्या करना है, गाइडलाइंस सेट की जाती हैं, लेकिन पब्लिक में कुछ भी नहीं बताया जाता है। और साथ ही साथ उसके भी जो स्टाफ है CDC चाइना के, उनसे भी छुपाया जाता है कि बातें लीक नहीं हो जाए। यह बात 6 जनवरी
2020 साल के पहले सप्ताह में होता है। इसके अगले दिन जनवरी 7 बहुत तेजी से कम चल रहे हैं, आप देख ही रहे हो, छुपाया भी बहुत ज्यादा जा रहा है। 7 जनवरी अनदर टीम एट वुहान यूनिवर्सिटी हैज सीक्वेंस द पैथोजन एंड फाउंड इट मैच्ड डॉक्टर शी, मेकिंग शी सर्टन दैट दे हैड आइडेंटिफाइड अ नोवल कोरोना वायरस, बट चाइनीज CDC एक्सपर्ट्स सेड दैट दे डोंट ट्रस्ट मिस शीज फाइंडिंग एंड नीड टू वेरीफाई हर डाटा बिफोर शी कैन पब्लिश। 7 जनवरी को वुहान यूनिवर्सिटी ने वापस से उसको पैथोजिन को अलग किया, उसका जीनोम निकाल लिया, उसको आइसोलेट किया, उसको पूरा समझा और यह पाया कि जो बैट वुमेन थी मिस शी ने जो बताया था कि ये नोवल कोरोना वायरस है, जो इसका आइसोलेट किया था उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। मतलब जो 2 जनवरी को बैट वुमेन मशीन ने आइसोलेट किया था वह वही था जो इन लोगों ने 7 तारीख को किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो चाइनीज डिजीज कंट्रोल है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC चाइना, उसने ये कहा कि नहीं, हम मशीन को विश्वास नहीं करते हैं और अभी वे जो हैं जब तक कि और रिपोर्ट्स नहीं आती तब तक वो पब्लिश नहीं कर सकती अपनी रिपोर्ट को। मतलब उनको फिर उनकी आवाज को रोका गया, उस महिला की जो 2 तारीख को बताना चाहती थी दुनिया को कि ये क्या हो रहा है, ये कितना खतरनाक नई स्ट्रेन वायरस है और ये क्या क्या दुनिया भर में किस तरह से टांडव कर सकती है, लेकिन वापस से उसको रोका गया मिश्री को कि आप पब्लिश नहीं कर पाओगे। इसके विषय में जो माना जा रहा है कि उनको चुप करने के पीछे एक और रीजन है कि जो वहां पर जो चाइनीज CDC है, सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज, उसमें आपस में आंतरिक बहुत कंपटीशन रहता है, उसमें प्रमोशन उन लोगों को मिलता है जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो इसमें यह होगा कि कुछ अधिकारी चाहते होंगे कि पहले वे पब्लिश कर दें ताकि उसको उनका श्रेय मिले, उन लोगों को उनका प्रमोशन मिले, लेकिन यह उनका आंतरिक विषय है। दुनिया जो मर रही है वह इन सब चीजों की वजह से, चीन के इस प्रकार के छुपाने के कृत्य की वजह से मर रही है आज। फिर आता है जनवरी 8, 7 जनवरी को जो नया वायरस निकाला जो वुहान यूनिवर्सिटी ने, वो बिल्कुल मिल जाता है मैडम शी ने जो रिपोर्ट की थी उससे, लेकिन उनको रोका जाता है फिर भी CDC के द्वारा कि आप इसको पब्लिश नहीं कर पाएंगी। अब 8 जनवरी जस्ट अगले दिन अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वह रिपोर्ट करता है कि साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू कोरोना वायरस इन सैंपल्स फ्रॉम निमोनिया पेशेंट्स इन वुहान, प्री एम्प्टिंग एंड एम्ब्रेसिंग चाइनीज ऑफिशियल्स। अब क्या होता है कि जब एक बार वॉल स्ट्रीट जर्नल, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में जो माना जाता है, उसने ये बात बताया जाता है कि नया कोरोना वायरस का निकला है जो निमोनिया टाइप के पेशेंट मिल रहे हैं चीन के वुहान में उसमें, और यह बाकायदा पब्लिश कर देता है। जब पब्लिश करता है तो चीन के जो अधिकारी हैं, चीनी स्टेट है, उसके लिए तो बिल्कुल शर्मिंदगी का विषय है। और थोड़ा सा ये इसमें रिपोर्ट में उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ही था पहला जिसके ब्यूरो को सबसे पहले चीनी सरकार ने चीन से बाहर निकाला, देश निकाला दिया था। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स आया था, लेकिन चूंकि WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले प्रकाशित किया था, ये भंडाफोड़ किया था, तो सबसे पहले उसको चीन की सरकार ने सजा दी। आफ्टर द आर्टिकल स्टेट मीडिया ऑफिशियली अनाउंस्ड, सॉरी इसमें यह है, द आर्टिकल ऑल्सो एम्ब्रेस्ड WHO ऑफिशियल्स। अब ये तो चीनी सरकार के साथ में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए एक शर्मिंदगी का विषय था कि उन्होंने छुपाया और एक प्राइवेट अखबार अमेरिका का वो उसको पब्लिश कर देता है, ये नहीं बता पा रहे हैं तो वो कहां से लाया और ये सब चीजें उसको पास कैसे पता पड़ गई जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता रही, तो उनके लिए भी एक शर्मिंदगी का विषय था। और इस पर डॉक्टर टॉम ग्रेन जो कि WHO के चीफ ऑफ WHO एक्यूट इवेंट मैनेजमेंट टीम जो है उसके चीफ जो हैं, वह कहते हैं कि एजेंसी लुक्ड डबली इनक्रेडिबल स्टूपिड। WHO जो है वो मूर्ख भी दिख रहा है, इनकॉम्पेटेबल भी दिख रहा है कि वो आप काम नहीं कर सकते।
तो वो थोड़ा सा इस पर गुस्सा होते हैं। और साथ में रियन जो कि WHO के चीफ ऑफ एमरजेंसीज हैं, आपातकालीन स्थिति के जो चीफ हैं, वो भी अपसेट थे और वो यहां तक ये कहते हैं कि द फैक्ट इज वी आर 2 to 3 weeks इन एन इवेंट, वी डोंट हैव अ लेबोरेटरी डायग्नोसिस, वी डोंट हैव एन एज, सेक्स और जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, वी डोंट हैव एन एपी कर्व। वो कहते हैं कि 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं ये जो इमरजेंसी है उसको हुए को, और ये सब होने के 2-3 हफ्ते के बाद भी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे जा रही हैं, इसकी डेमोग्राफी क्या है, कितने किस एज को ज़्यादा प्रभावित करता है, किस सेक्स को ज़्यादा प्रभावित करता है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये सब उनके पास नहीं थी। इसको लेकर वह गुस्सा भी होते हैं। ये सब बातें कहाँ से मालूम पड़ती, इनकी जो WHO ऑफिशियल्स की जो इंटरनल मीटिंग्स जो रिकॉर्ड हुई वह आ जाती है एसोसिएट प्रेस के पास। ये एसोसिएट प्रेस बता रही है सब चीजें बेस्ड ऑन जो मीटिंग के जो कन्वर्सेशन उनके पास आते हैं उसके ऊपर। आफ्टर दिस आर्टिकल स्टेट मीडिया तो फिर ऑफिशियली उसको अनाउंस करना ही पड़ा, क्योंकि जब एक बार दुनिया ने देख लिया, वॉल स्ट्रीट जनरल ने पब्लिश कर दी इतनी बड़ी रिपोर्ट, तो फिर चीनी अधिकारियों ने ऑफिशियली ये बताया कि उनको उनके वहाँ पर एक नया कोरोना वायरस मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो उसका जीनोम था जो उनके पास था वह भी रिलीज़ नहीं किया, जो टेस्ट के रिजल्ट आ रहे थे वह भी रिलीज़ नहीं किया, इन्फेक्शन कितना फैल रहा है, किस प्रकार से फैल रहा है यह भी रिलीज़ नहीं किया। लेकिन अब तक ये हुआ था कि अलग अलग जगहों से पर फैलना शुरू हो गया था। क्यों फैलना शुरू हो गया था, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इस समय तक भी वुहान में लोग आ रहे थे फ्लाइट से और वुहान से लोग जा रहे थे दुनिया भर में। यहां पे चीन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उन्होंने वुहान को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उसको अगर एयरपोर्ट क्लोज कर देते, वुहान को बंद कर देते, तो दुनिया जाग जाती कि क्या हो रहा है और चीन की पोल खुलती, तो उस चक्कर में दुनिया भर में ये महामारी फैलना शुरू हो गई थी, इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया था। और अब ये 7 के बाद आती है 8 जनवरी को वॉल स्ट्रीट जनरल ने प्रकाशित किया, और 8 जनवरी को उसी दिन देखिए, आप देखिए कि इस पर फिल्म बन सकती है पूरी, जिस तरह से इवेंट चल रहे हैं ना, डेट वाइज चलते जा रहे हैं आगे और सब एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। उसी तारीख को थाईलैंड के एयरपोर्ट के अधिकारियों ने एक महिला यात्री जो कि वुहान से आई थी और जिसको रनिंग नोज थी, नाक बह रही थी, गले में समस्या थी, तेज बुखार था, उसको अलग किया, क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ खबरें तो फैलना शुरू हो गई थी कि वुहान में चीन में इस तरह से महामारी फैल रही है और इन्फेक्शन फैल रहा है। तो वुहान से ही चूंकि ये फ्लाइट आई थी, ये महिला वुहान से ही आ रही थी, तेज बुखार था, इसको नाक बह रही थी, गला भी खराश थी, खांसी सर्दी जुकाम के पूरे लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे, तो उसको उन्होंने अलग किया। और थोड़ा नाम गलत बोल सकता हूँ इसमें, प्रोनाउंसिएशन में चुलांग लॉन्गकॉन यूनिवर्सिटी है थाईलैंड की, इसकी जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सुपापोन, उनकी टीम ने ये पाया कि ये सिम्टम्स जो हैं ये उसी प्रकार के हैं जो कोरोना वायरस चीन में हो रहा है, उससे मिलते जुलते लग रहे हैं। और 9 तारीख को मतलब अगले ही दिन मिस सुपापोन ने ये जो जेनेटिक सीक्वेंस था इस वायरस का उसको अलग कर लिया, पार्शली फिगर्ड आउट द जेनेटिक सीक्वेंस ऑन January 9th। तो उन्होंने थाईलैंड की सरकार को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। लेकिन अभी तक क्या था कि चूंकि चीन ने इस जीनोम को रिलीज नहीं किया था, अपनी रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया था, तो इसलिए मिस सुपापोन ये नहीं बता सकती थी कि ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। जब तक कि चीन रिलीज नहीं करता कि वुहान में क्या है, तब तक कोई भी साइंटिस्ट हो वह अपनी तरफ से तो उसको आइसोलेट कर लेगा, लेकिन उसको मैच कैसे करेगा। तो अब यह स्थिति यह बन गई 9 जनवरी तक भी कि वेट करें जब तक चीन की तरफ से डाटा नहीं आए। और इस पर वो खुद मिस सुपापोन कहती हैं कि इट वॉज काइंड ऑफ वेट एंड सी व्हेन चाइना विल रिलीज द डाटा देन वी कैन कंपेयर। सही बात है, वो जब तक डाटा नहीं आएगा वो कैसे कंक्लूजन पे पहुंच सकती हैं। फिर इसी तारीख को जिस दिन 9 जनवरी सिक्वेंस चलता जा रहा है,
कहीं बाधित नहीं हो रही तारीखें, आप देखते जाइए एक दो दिन, एक दो दिन के अंदर सब कुछ चल रहा है, उसी दिन भी हो रहा है। उसी 9 जनवरी को जिस दिन मिस सुपोपॉन ने उस वायरस को, कोरोना वायरस को आइसोलेट किया थाईलैंड में, उसी दिन एक 61 वर्षीय महिला की रिपोर्ट आती है 9 तारीख को कि वह वुहान में उसकी डेथ हो जाती है कोरोना वायरस से। लेकिन इस रिपोर्ट को भी चीन जब तक नहीं पता था इस बात को कि 11 तारीख नहीं आ जाए, मतलब 9 से 10 और 11 दो दिन तक फिर छुपाया जाता है। 9 तारीख को एक महिला मरती है वुहान में, 61 वर्ष की महिला, और लेकिन चीन बताता है इस विषय पे 11 तारीख को कि एक महिला की डेथ हुई है वुहान में जिसको ऐसे लक्षण थे। और फिर जो WHO के जो ऑफिस बीयरर्स हैं, अधिकारी हैं थे, वे अपनी जो आंतरिक बैठकें थी उसमें उसमें इस बात की कंप्लेन भी करते हैं कि वे बार बार चीन से डाटा के लिए आग्रह कर रहे हैं लेकिन उनको डाटा नहीं दिया जा रहा है। मतलब चीन WHO के साथ जो है वह कोऑपरेट भी नहीं कर रहा था, और इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा होते हैं। WHO के जो आपातकालीन स्थिति के जो अध्यक्ष हैं, चीफ है रियान, और वो कहते हैं कि चीन का, हमने पहले जिस तरह से तंजानिया को जब इबोला आउटब्रेक का डाटा वो ढंग से नहीं दे रहा था तो हमने जिस तरह से उसको बाह मड़ोरी थी, जिस तरह से हमने उसको डाटा था, जिस शक्ति के साथ टंजानिया को ट्रीट किया था, हमको चाइना को भी करना चाहिए, हमारे स्टैंडर्ड एक जैसे होना चाहिए। लेकिन वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, हम सब जानते हैं, तंजानिया तंजानिया है, चाइना चाइना है, पावर था यहाँ पर चीन का, पैसा और पावर, जिसकी वजह से उसके ऊपर वैसा प्रेशर नहीं बना पाए। अब आती है 11 तारीख की, 11 तारीख कौन सी है, जिस दिन चीन बताता है कि एक महिला की डेथ हुई है, 9 तारीख को होती है और 11 तारीख को बताता है। उसी 11 तारीख को एक टीम जो कि शंघाई पब्लिक हेल्थ क्लिनिकल सेंटर जिसको लीड करते हैं डॉक्टर जेंग, वो फाइनली पब्लिश करती है अपना एक सीक्वेंस पब्लिश कर देती है इस वायरस का virological.org वेबसाइट पर। अब ये डॉक्टर जो थे, ये हैं शंघाई पब्लिक हेल्थ क्लिनिकल सेंटर के डॉक्टर जेंग। डॉक्टर जेंग जो हैं ये virological.org पर इसके सीक्वेंस को पब्लिश कर देते हैं, वो जैसे ही ये पब्लिश करते हैं चाइना के अधिकारी इनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, वो एकदम आग बबूला होते हैं, और इनकी जो लेबोरेटरी है डॉक्टर जेंग की उसको टेम्परेली बंद कर दिया जाता है हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा। मतलब जिस आदमी ने इस बात को दुनिया को बताया वेबसाइट पर 11 जनवरी को, उसकी लैब को टेम्परेली बंद कर दिया जाता है। अब लेकिन वायरस जैसे फैलता है ऐसे ही इंफॉर्मेशन पर चीजें भी वायरल होती हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो वेबसाइट पर डाला वो दुनिया भर में मालूम पड़ा, और उसी दिन थाईलैंड की बात, ये 11 तारीख को डालते हैं डॉक्टर जेंग, और उसी दिन मिस सुपोन जो थाईलैंड में बैठी हैं और जिन्होंने ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया था, अलग कर लिया था वायरस को, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया था, वे इसके सीक्वेंस को अपने सीक्वेंस से कंपेयर करती हैं और वो पाती हैं कि ये 100% वही है जो उन्होंने उस महिला से जो वुहान से ट्रेवल करके आई थी थाईलैंड, उसका जो सीक्वेंस अलग किया था वह बिल्कुल मिलता जुलता है डॉक्टर वांग ने जो पब्लिश किया है virological.org पर। और फिर वे अपनी सरकार को बताती हैं, और उसी दिन 11 जनवरी को ही सेम उसी दिन थाईलैंड की सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताती है। कौन बता रहा है, WHO को? WHO को चीन नहीं बताया, WHO को यह बात से अवगत कराता है थाईलैंड। अब तक तो अब बातें क्लियर होने लगी कि जो वुहान में वायरस था वो दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ है, थाईलैंड ने उस वायरस को अलग भी कर लिया, उसके स्ट्रेन भी निकाल ली, और वो जो स्ट्रेन थी वो डॉक्टर जेंग जो चाइना के थे जिन्होंने अपने वेबसाइट पर डाल दी थी और जिसकी कीमत पे अदा करी उन्होंने, उनकी लैब को सील कर दिया गया टेम्परेरी, वो वायरस की स्ट्रेन मिल जाती है जो डॉक्टर सुपोन ने की, सुपोन नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ क्योंकि ये चाइनीज और थाईलैंड नाम है, उन्होंने जो थाईलैंड में की उससे मिलती जुलती है। और जब उनकी सरकार को वो अपनी रिपोर्ट देती हैं तो वो सरकार
थाईलैंड की सरकार अवगत कराती है विश्व स्वास्थ्य संगठन को। और फिर अब क्या होता है, द चाइनीज सीडीसी, द वुहान इंस्टीट्यूट, अब क्या होता है कि अब तो चूंकि WHO को मालूम पड़ गया है, एक तीसरा कंट्री भी इन्वॉल्व हो चुका है, अब इनमें चाइना के तीन प्रतिष्ठान, एक तो चाइनीज सीडीसी, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक होड़ लग जाती है कि पहले डाटा को कौन पब्लिश करेगा। और ये सब नेशनल हेल्थ कमीशन से अप्रूवल लेने की होड़ में लगते हैं और 12 तारीख को तीनों ये लैब्स जो हैं ये मिलकर इसको फाइनली पब्लिश करती है। कब करती हैं, 11 को WHO को मालूम पड़ता है थाईलैंड से और फिर जाके ये 12 तारीख को दुनिया के सामने पब्लिश करते हैं कि यह है सीक्वेंस इस वायरस का। और इस सब जो कार्यकलाप थे इसमें लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके थे। जो पहली विजन लैब के बारे में हमने बात की थी, जो प्राइवेट लेबोरेटरी थी, उसने जो अपना अलग किया था वायरस को, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी चाइनीज अधिकारियों को, उसने इन लोगों ने दबाया इसको और फाइनली जाकर ये 12 तारीख को, 12 जनवरी को पब्लिश किया, जब तक दुनिया भर में संक्रमण फैलना शुरू हो गया था। लेकिन अभी चीजें खत्म नहीं हुई, अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, वो खतरनाक पिक्चर बाकी है, आगे देखिए। 13 जनवरी को, 11 को मालूम पड़ता है WHO को थाईलैंड की तरफ से, 13 तारीख को WHO कंफर्म करता है इस चीज को कि थाईलैंड ने कंफर्म किया है कि इस प्रकार का वायरस है। और अब यह एक तरह से चाइना के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि तीसरी कंट्री ने बताया है। नेक्स्ट डे ये होता है कि एक कॉन्फिडेंशियल टेलीकॉन्फ्रेंस होती है जिसमें चाइना के टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं वह चीन को बताते हैं कि आप पेंडेमिक के लिए तैयार रहें, और यह भी कहते हैं कि यह जो पेंडेमिक होगा यह सार्क जो 2003 में आया था उससे बहुत ज़्यादा घातक होगा। और लेकिन इंटरनली डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी को हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पर, लेकिन ये अभी भी ये दुनिया को ये नहीं बता रहे हैं कि कितना खतरनाक लेवल पर वहां तक ट्रांसमिशन पहुंच चुका है। और फिर भी ये कहते हैं कि चांसेस हैं कि ये ट्रांसमिशन जो ह्यूमन से ह्यूमन को होगा ये लो लेवल का है, इसके चांसेस कम हैं। सॉरी थोड़ा सा मैं इसमें गलत हुआ क्योंकि मैं थोड़ा पीछे आ गया रिपोर्ट में जो मैंने लिखी है। अब यस सही हूं, 13 तारीख को जो इनकी इंटरनल बैठक होती है उसमें ये बताते हैं कि ये 2003 के जो सार्क का आउटब्रेक था उससे भी खतरनाक हो सकता है, और इंटरनल लेवल 1 इमरजेंसी जो सबसे तीव्र होती है उसको डिक्लेयर करते हैं और चीन को बोलते हैं कि आप चीन को तैयार रहना चाहिए एक महामारी का सामना करने के लिए। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं, चाइनीज अधिकारी जो कहते हैं कि कम चांसेस हैं कि ये इंसान से इंसान को फैलेगा। लेकिन अब ये समझिए कि 14 जनवरी इसके एक दिन बाद WHO की कारस्तानी, आप देखिए कि WHO के अधिकारी हैं वेन केरक्योव, ये कहते हैं प्रेस ब्रीफिंग में कि इट इज सर्टनली पॉसिबल देयर इज लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, लिमिटेड लेवल पर इंसान से इंसान को ट्रांसमिशन होना सर्टनली पॉसिबल है। लेकिन उसी दिन मतलब 14 जनवरी को वह WHO वो जो इनफेमस ट्वीट है वह करता है, उसमें ये कहता है, अपनी बात से ही पीछे मुड़ जाता है कुछ ही घंटों के अंदर, वो कहते हैं कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय चाइनीज अथॉरिटीज हैव फाउंड नो क्लियर एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। मतलब कुछ घंटे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अधिकारी कह रहा है कि किसी प्रकार का या इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन मानव से मानव को संक्रमित कर हो सकता है, ये उनका अधिकारी कह रहा है। कुछ ही घंटों के बाद अपने ऑफिशियल ब्लू टिक वाले ट्विटर हैंडल से ट्वीट करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन कि चीन के द्वारा जो अभी तक शोध आए हैं उसमें ये मालूम पड़ता है कि यह मानव से मानव को संक्रमित नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह बहुत बड़ी जांच का विषय है कि आपका अधिकारी खुद का कुछ घंटे पहले तो बोल रहा है कि मानव से मानव को संक्रमित कर सकता है और कुछ घंटों के बाद आधिकारिक रूप से WHO खुद कह रहा है कि नहीं ये तो मानव से मानव को नहीं फैलता है। फिर 20 जनवरी को
the leaders of an expert team returning from Wuhan, renowned government infectious disease doctor Zhuhang Nansheng declared publicly for the first time that the new coronavirus was spreading to people. 14 तारीख के बाद फिर 6 दिन का समय लगाती चीन सरकार दुनिया को बिल्कुल अंधेरे में रखती है और 20 जनवरी को चीन की सरकार के द्वारा यह बताया जाता है आधिकारिक रूप से कि ये इंसान से इंसान को फैलने वाला है। और चीनी राष्ट्रपति पहली बार इस बारे में बात करते हैं शी जिनपिंग और वो कहते हैं कि चीन जो है वह टाइमली पब्लिकेशन कर रहा है सब डेटा का और इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेगा। इस तरह की बातें शी जिनपिंग करते हैं, मतलब धूल डालते हैं एक तरह से। फिर जो इंटरनल मीटिंग होती हैं WHO की, जिसके प्रमाण एसोसिएट प्रेस के पास हैं, उसमें डॉक्टर गेलिया जो कि चीन में WHO के हेड हैं, वे अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से बात करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि उनके चाइनीज काउंटर पार्ट जो हैं वो तो ओपनली कह रहे हैं कि ये इंसान से इंसान को संक्रमण फैल रहा है। और फिर वे अपने जो कलीग्स हैं WHO के दूसरे अधिकारी हैं स्विट्जरलैंड जिनीवा में, फिलीपींस मनीला में, उसमें ये कहते हैं कि चीन मदद मांग रहा है दुनिया की जनता से कम्युनिकेट करने के लिए WHO से, लेकिन इस तरह से कम्युनिकेट किया जाए कि पैनिक नहीं फैले। मतलब चीन चाहता है कि WHO दुनिया को बताए लेकिन इस तरह से बताए कि दुनिया भर में पैनिक नहीं फैल पाए, क्योंकि चीन के हाथ से अब चीजें निकलती हुई दिख रही हैं। उसके दो दिन के बाद ये होता है 22 तारीख को कि WHO एक अपनी इंडिपेंडेंट कमेटी भेजता है, बनाता है, उसकी मीटिंग करता है कि इसको क्या विश्व भर में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए या न किया जाए। इसकी दो बैठकें होती हैं लेकिन कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते, जबकि इस तारीख को 22 जनवरी को वुहान में क्वारंटीन करना शुरू कर देती है चाइनी की सेना की सरकार, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी भी इसको ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करता है। इसके जस्ट जब वुहान में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उसके दूसरे दिन अर्थात जनवरी 23 को WHO के जो सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर टेड्रस पब्लिकली डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ न्यू कोरोना वायरस इन चाइना एज लिमिटेड। वो बताते हैं कि ये तो लिमिटेड है, चाइना के बाहर नहीं फैल रहा है, ये डॉक्टर टेड्रस बताते हैं। और फिर उसके कई दिन बाद तक भी चाइना डिटेल डाटा नहीं निकालता है, हालांकि जो केसेस बढ़ते जाते हैं वो केसेस पहले से बढ़ रहे थे। उसके बावजूद भी ऐसा क्या होता है कि 23 तारीख को डॉक्टर टेड्रोस WHO के जो चीफ हैं वह ये कहते हैं कि जो चाइना है वो चाइना में लिमिटेड है, जो वहाँ उसके बाहर नहीं फैल रहा है, जबकि थाईलैंड में केस आ चुका है, थाईलैंड ने ही WHO को बताया, लेकिन फिर भी डॉक्टर टेड्रोस क्यों चीन का समर्थन कर रहे हैं, क्यों चीन को बचा रहे हैं, समझ में नहीं आता। इसके कुछ दिन के जस्ट बाद, इसके 5 दिन के बाद 28 तारीख को टेड्रोस जो हैं वो खुद चाइना जाते हैं और बीजिंग में किससे मिलते हैं, शी जिनपिंग से। और जबकि WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं, इस तरह की आउटब्रेक में राष्ट्रपति से मिलने का कोई औचित्य नहीं होता, ऐसा यूजुअली होता भी नहीं है। और इस मीटिंग के जस्ट दूसरे दिन बड़े शब्दों में उनकी चाइना की तारीफ करना शुरू करते हैं डॉक्टर टेड्रोस, और वो ये कहते हैं, आप उनके शब्दों को ही देखिए, वो कहते हैं कि ही प्रेस चाइना फॉर द लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड ही कॉल्ड इट इनक्रेडिबल। The next 2 days, WHO finally declared, 2 दिन के बाद finally international health emergency declare करता है, लेकिन जब declare करता है उसके बाद भी Dr. Tedros China को शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि चाइना बहुत कोऑपरेट कर रहा है। और उनके शब्द हैं कि वी शुड एक्चुअली एक्सप्रेस अवर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू चाइना फॉर व्हाट इट इज डूइंग, इट हैज़ ऑलरेडी डन इनक्रेडिबल थिंग्स टू लिमिट द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस टू अदर कंट्रीज। वो कहते हैं कि चाइना जो कर रहा है उसके लिए हमको उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने बहुत कुछ किया है कि वायरस दूसरे देशों में नहीं फैले,
अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक तरफ से आप वुहान में अंदर से इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हो, वुहान में एक पेंडेमिक को के आउटब्रेक के लिए तैयारियां कर रहे हो, लेबोरेटरीज की तैयारियां कर रहे हो, पूरी तैयारियां कर रहे हो, लेकिन वुहान का एयरपोर्ट चालू रख रहे हो, दुनिया से दो दो हफ्ते तीन तीन हफ्ते तक आप चीज़ों को छुपा रहे हो। उसके बाद डॉक्टर टेड्रोस कह रहे हैं कि चाइना ने इसको बहुत लिमिट किया है और आज हमारे सामने दुनिया देख रही क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। मैंने तो पहले भी अपना मत रखा था कि डॉक्टर टेड्रोस की जांच होना चाहिए। ये आदमी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीन से मिला हुआ है, चीन से दबा हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि इनके इस पद पर प्रमुख बनने के WHO के चीन का बड़ा योगदान रहा है, चीन ने बहुत समर्थन किया है। लेकिन WHO की जो प्रतिष्ठा है वह बहुत धूमिल हुई है और चीन यदि दो हफ्ते तीन हफ्ते पहले दुनिया को बता देता तो आज दुनिया की स्थिति अच्छी होती। मैं नज़र रखा हुआ हूँ, जो भी डेवलपमेंट आएंगे आपसे फिर साझा करूँगा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।